हम देखते हैं जिब्रेलिन की क्रियाविधि। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे जिब्रेलिन की क्रियाविधि। तो मैकेनिज्म ऑफ जिब्रेलिन एक्शन क्या है, तो जैसा कि क्लियर है जिब्रेलिन सेल दीर्घन अर्थात सेल इलोंगेशन के साथ साथ जो है सेल डिवीजन करके ग्रोथ को प्रभावित करता है। कोशिका में जो लंबवत दीर्घन की प्रक्रिया के साथ साथ कोशिका विभाजन भी कर रहा है जिब्रेलिन हार्मोन। एंड इसको जो वैज्ञानिक है सेक्स, उन्होंने 1950 में बताया था कि जो बोने प्लांट है अर्थात डॉर्फ प्लांट से उनमें बोने पौधों में वृद्धि करके एक्टिवेशन का कार्य जो है सब अपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन माना इन्होंने वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो बताया। और इसके बाद उन्होंने अन्य स्थिति में निष्क्रिय रहते हैं यह माना जिब्रेलिन ऑक्सीजन लेवल पर प्रभाव के कारण डायरेक्ट फॉर्म में प्लांट को जो है मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है यह उन्होंने बताया। बट कुछ प्रतिक्रियाएं ऑक्सीजन की जो है एब्सेंटीज या प्रेजेंटीज में अप्रभावित रहती है यह भी उन्होंने बताया। अर्थात जो सेक्स वैज्ञानिक है इन्होंने डॉर्फ प्लांट में ग्रोथ के एक्टिवेशन का कारण बताया सब एपिकल मेरिस्टेम और जिसमें कि सेल डिवीजन माना। बट कुछ जो अन्य स्थिति में निष्क्रिय रहते हैं ये भी उन्होंने बताया। ऑक्सीजन लेवल पर उनके प्रभाव के कारण डायरेक्ट फॉर्म से प्लांट की मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है यह भी उन्होंने बताया। किंतु कुछ प्रतिक्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से अप्रभावित रहती है यह भी उन्होंने बताया वैज्ञानिक सेक्स ने 1959 में। ऑक्सीजन लेवल में ग्रोथ के कारण ऑक्सीजन विनाश की दर बढ़ जाती है और सिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया। फिर वैज्ञानिक ब्रॉटन 1968 में इन्होंने जिब्रेलिक एसिड द्वारा डीएनए और आरएनए की मात्रा में वृद्धि के अनेक प्रमाण दिए। इन्होंने अनेक रिसर्च वर्क किया जिसमें कि बताया कि डीएनए और आरएनए की जो क्वांटिटी है उसमें ग्रोथ हो रही है उसका कारण है जिब्रेलिक एसिड। यह प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर ऑक्सीजन के संश्लेषण की। अर्थात ऑक्सीजन के संश्लेषण में जिब्रेलिन का क्या रोल है यहाँ पर इस प्रक्रिया के द्वारा पूरा समझाया गया है। जिब्रेलिन है यह हार्मोन प्रमोटर्स, देन यहाँ पर प्रोटीएस, प्रोटीएस से प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन से अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन और ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। तो एक किस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन के संश्लेषण में जिब्रेलिन का रोल है बताया गया है। अर्थात जिब्रेलिन की क्रिया में ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल है हम कह सकते